सो हाय गाइस, मैं हूं निकला और आप देख रहे हैं बस्ट्री टेक। गाइस, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे बैच स्क्रिप्ट की हेल्प से, यानी कि नॉट पैड की हेल्प से एक डिजिटल क्लॉक क्रिएट करना। आप देख सकते हैं मेरी डेस्कटॉप स्क्रीन पे, यहां पे एक ब्लैक कलर की स्क्रीन में, यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट की स्क्रीन में आपको टाइम और डेट नजर आ रहा है, यानी कि एक डिजिटल क्लॉक आपको नजर आ रहा है। और ये हम करेंगे क्रिएट, वो भी सिर्फ और सिर्फ बैच स्क्रिप्ट की हेल्प से। और इसके लिए आपको किसी एक्सटर्नल टूल की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको नॉट पैड की जरूरत है। तो कैसे क्रिएट करेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसको तो अभी हम कर देते हैं क्लोज, और प्लस आर दबा के नॉट पैड आप ओपन करेंगे। नॉट पैड हमने ओपन कर लिया, और यहां पर आप बैच स्क्रिप्ट लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या यूज करना है आपको, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आप @eco_off लिखेंगे। क्यों लिखते हैं, मैंने आपको पहले के काफी सारे वीडियो में बताया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। देन इसके बाद टाइटल दे देते हैं हम अपनी विंडो का, जो भी हम क्लॉक डिजाइन कर रहे हैं यहां पे डिजिटल क्लॉक, उसका टाइटल हम दे देते हैं। टाइटल होगा इसका क्लॉक या फिर डिजिटल क्लॉक, आप कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, देन इसके बाद @ मोड आपको डिफाइन करना है। मोड क्या करता है, आपकी जो विंडो है उसका साइज यहाँ पे डिफाइन करता है। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ लाइंस का यूज करके हम विंडो का साइज डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, चलिए देखिएगा। यहाँ पे आप CON लिखेंगे, देन स्पेस COLS इक्वल टू यहाँ पे कॉलम्स, यानी कि आपकी जो विंडो का साइज है वो कितना चौड़ा होगा, वो आप विड्थ कितनी होगी वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ 30, ठीक है, और यहाँ पर लाइंस मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ = 7। ओके, तो कॉलम्स मैंने 30 लिखे और लाइंस मैंने 7 लिखी, यानी कि एक जो साइज है वो मैंने डिफाइन कर दिया अपनी विंडो का। देन इसके बाद कलर आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जिस कलर में आप आउटपुट चाहते हैं। तो यहाँ पे कलर स्पेस 02 में लिख देता हूँ। जो कलर्स होते हैं बैच स्क्रिप्ट के, का कोड फिक्स होता है जो कि 2 डिजिट में लिखा जाता है, उनकी पूरी जो लिस्ट है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसके हिसाब से अपना कलर डिफाइन कर सकते हैं। ओके, देन यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, कॉलन लगाया देन मेन लिखा, ठीक है, या फिर कुछ भी आप लिख सकते हैं, मेन की जगह कुछ और भी नाम लिख सकते हैं। जस्ट ये एक फंक्शन है जिसे हमें रेगुलरली कॉल करना है अपनी क्लॉक को रिफ्रेश करने के लिए। ठीक है, देन यहाँ पे CLS जो कि क्लियर स्क्रीन करेगा, क्योंकि हम रिफ्रेश कर रहे हैं तो हमें एक तरीके से जो पुराना आउटपुट है उसको क्लीन करना होगा और नया आउटपुट वहाँ पे प्लेस करना होगा, और ये विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होगा, इसलिए मैं यहाँ पे CLS यहाँ पे यूज ले रहा हूँ। देन इको और एक डॉट, यहाँ पे एक सिर्फ डॉट प्रिंट करवा रहे हैं, एक ब्लैंक इको प्रिंट करवा रहे हैं, जिससे कि एक सही व्यू हमारी क्लॉक का, डिजिटल क्लॉक का यहाँ पे आ सके। ठीक है, देन यहाँ पे इको टाइम, ठीक है, इको टाइम का मतलब है कि यहाँ पे टाइम प्रिंट होगा, देन कॉलन, देन उसके बाद जो टाइम वेरिएबल है हमारे सिस्टम का वो हम उठा लेंगे। तो यहाँ पे परसेंटेज टाइम यहाँ पे आप लिखेंगे, अन परसेंटेज लगा देंगे। देन इसके बाद एक और मेरे को स्पेस चाहिए, तो मैं यहाँ पे इको डॉट लिख देता हूँ। देन अगेन इको डेट, डेट अगर आप चाहते हैं इंक्लूड करना तो आप डेट लिखें, अदरवाइज नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं डेट वेरिएबल से डेट यहाँ पे उठा लूंगा, सिर्फ परसेंटेज डेट परसेंटेज यहाँ पे लिख दूंगा। देन इको डॉट, इतना लिखने के बाद मैं यहाँ पे सिर्फ पिंक का यूज लूंगा, जिससे क्या है जो पर्टिकुलर इको जो मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया है वो पिंक की तरफ भेज दिया जाएगा, पिंक की हेल्प से नेटवर्क की तरफ, यानी कि जो कि हमारा लोकल होस्ट नेटवर्क रहेगा। देन उसके बाद क्लीन करके नया वैल्यू यहाँ पे पुट किया जाएगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे पिंक लिखूंगा, देन स्पेस दे के -n, देन 2, देन स्पेस दे के 0.0.0.0, देन यहाँ पे आप स्पेस देंगे और लिखेंगे ग्रेटर देन नल। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप गो टू मेन कर देंगे, यानी कि मेन फंक्शन पे वापस चले जाए। जस्ट आपको इतना करना है, और फाइल में जाके ये स्क्रिप्ट आपको सेव कर देनी है। मैं डेस्कटॉप पे डिजिटल क्लॉक के नाम से सेव कर देता हूँ, और .bat एक्सटेंशन यहाँ पे लगा देता हूँ। .bat एक्सटेंशन लगाना आपको बहुत जरूरी है, इसके बिना आप इस बैच स्क्रिप्ट में ये फाइल सेव नहीं कर पाएंगे। सेव किया मैंने इसको, मैं क्लोज कर देता हूँ इस विंडो को। यहाँ पे डिजिटल क्लॉक .bat की विंडो यहाँ पे आ गई है, मैंने डबल क्लिक किया, आप देख सकते हैं जो क्लॉक है वो यहाँ पे आ गई है। अब मैं यहाँ पे आपको एक डिफरेंस यहाँ पे शो कर देता हूँ, आप देख सकते हैं अभी जो करंट टाइम है वो यहाँ पे आ रहा है 15:50, 45 सेकंड, डेट आज की आ रही है यहाँ पे। इसको मैं आपको एक बार एडिट करके बताता हूँ कि यहाँ पे आप डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको कॉलम्स और लाइन्स का यहाँ पे डिफरेंस बताया, अगर मुझे इसकी विड्थ कम करनी है और तो मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ, और लाइन्स यानी कि इसकी हाइट भी कम करनी है तो मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद इसको क्लोज किया, वापस से ओपन किया, अब आप देख सकते हैं ये जो क्लॉक है उसका जो साइज है और छोटा आ गया है। ठीक है, और कम करना है आपको तो मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ। ठीक है, और फाइल में जाके हमने सेव किया और इसको क्लोज किया और फिर ओपन किया, तो यहाँ पे देख सकते हैं इस बार अब ये ज़्यादा छोटा हो गया है।
इतना छोटा हो गया कि टाइम भी नहीं आ पा रहा है। वापस से क्लोज करते हैं, फाइव लगाते हैं यहाँ पे लाइंस में, फाइल सेव, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं अब टाइम और डेट यहाँ पे आ रहा है, यानी कि ये जो साइज है सफिशिएंट है। इसी तरीके से आप अगर आपको कलर चेंज करने हो तो 04 अगर सपोज मैं कर देता हूँ और फाइल में जाके सेव करता हूँ और वापस से फाइल रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं इस बार ये रेड कलर में आ रहा है। तो इस तरीके से आप अपनी एक डिजिटल क्लॉक क्रिएट कर सकते हैं। ये छोटा सा प्रोजेक्ट आप अपने स्कूल वगैरह के कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं। आई होप कि जो छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, छोटा सा वीडियो है, आपके काम आएगा। आप इसको क्रिएट करके देखेंगे और अपने आसपास के फ्रेंड्स को हैरान कर देंगे। इसकी स्क्रिप्ट आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी, आप वहां से भी ले सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस डेली पाने के लिए। वीडियो लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।